Hello everyone, this is me Abhishek here. Welcomes you all in a new video. आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ. ये इस चैनल पे हर रोज इस तरह की ढेर सारे वीडियो आते रहती हैं, तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका आप अगर बेनिफिशियल नहीं ना हो पाए इस एक वीडियो से तो आपका दोस्त हो सकता है. चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. TCS डिजिटल हायरिंग 2022 रजिस्ट्रेशन, तो कंपनी के बारे में नाम बताते हुए आगे. पोजीशन ट्रेनी करेगा, डिग्री नीडेड बीई बीटेक एमई एमटेक और एमएससी एमसीए, पास आउट बैच 2022 में जो पास किए हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं. जॉब लोकेशन पूरा भारत में है. एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स. फ्रेशर्स भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सबसे पहले जो मेन मुद्दा है हमारा एलिजिबिलिटी का, वो देख लेता हूँ थोड़ा सा. इसमें एलिजिबिलिटी यह है कि अगर आपका हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है, मतलब आप जिस चीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अगर बीटेक किए हैं तो अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप मास्टर किए हुए हैं तो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको 70% सुपर होनी चाहिए और पिछले जो भी आपका वो है, मतलब उससे पीछे जो भी आप डिग्री लिए हैं, जैसे 10th 12th, और बीटेक कर रहे हैं किए हुए हैं तो आप 10th 12th का होगा उससे पहले डिग्री, तो उसमें 60% सुपर होना चाहिए. अगर आप मास्टर किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन 10th 12th, उसमें 60% सुपर होनी चाहिए, समझिए. हाइस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सटेंडेड एजुकेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स अगर एक साल का कोर्स है तो उसको एक साल में कंप्लीट होना चाहिए, इस तरह का है ना. बैकलॉग्स एरियस एके टी के, कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग्स. ओके, गैप भी नहीं होनी चाहिए कोई भी डिग्री के बीच. 12th के बाद जैसे बैचलर्स कर रहे हैं तो 24 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मीन्स 2 ईयर्स. कोई भी दो डिग्री के बीच में 24 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होनी चाहिए. कोर्स टाइप, तो उसमें सभी प्रकार के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, NIOS वाले भी कर सकते हैं, ठीक है. अगर ओके, वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है. एज 18 से 28. कोर्स एंड डिसिप्लिन, ओके, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए. इंटीग्रेटेड BS MS कुछ भी है तो आप कर सकते हैं. और बैच ऑफ 2022 में जो पास किए सिर्फ वही कर सकते हैं आप. 2021 में जो पास किए वो मत करना, फालतू का अपना टाइम बर्बाद करोगे. उससे बढ़िया रहेगा कि आप मेरे चैनल को गो थ्रू कर लो, उससे कर लीजिए ताकि आपको मिल जाएगा. मैं बहुत इस तरह का वीडियो डाला हूँ 2021 2020. ओके, इसमें आगे बढ़ते हैं. टेस्ट पैटर्न आपका क्या रहेगा. एडवांस क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मिनट का, वर्बल एबिलिटीज 10 मिनट्स का, एडवांस कोडिंग 16 मिनट्स, टोटल 110 मिनट्स का रहेगा. और अप्लाई कैसे करना है, तो लॉग इन टू TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है. अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए. ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग न्यू यूजर ही होंगे, तो आप देखते जाइए इस कैसे करना है. तो जैसे हम हेयर पे क्लिक करूँगा, इसके नीचे अप्लाई लिंक का बटन दिया हुआ, पर यहाँ भी कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ करूँगा, ठीक है. अभी कुछ आया नहीं है, आ जाएगा थोड़ी देर में. ओके, आ गया. हमें पता है कि हम लोग न्यू हैं, तो चलो यार रजिस्टर पे क्लिक करेंगे. रजिस्टर नाम जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको आईटी लेना है ना, आईटी पे क्लिक करोगे. ओके, जैसे आप उस पर आईटी पे क्लिक करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन पेज खुल रहा है, तो आप यहाँ आ जाओगे तो आपको अपना सब कुछ इसमें फिल करके सबमिट करना होगा. फिर देखते हैं, रुक जाए थोड़ा सा. प्लीज नोट दैट द TCS नेक्स्ट स्टेप इनिशिएटिव अवेलेबल इन इंडिया ज्योग्राफी, एप्लीकेशंस फ्रॉम अदर कंट्रीज विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट. ओके, हम लोग भारतीय हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ओके गाइस, यहाँ पे आपको सब कुछ देना पड़ेगा. मैं इससे आगे आप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यार मैं एलिजिबल नहीं हूँ. तो आप यहाँ पे सब कुछ डालते जाइएगा, सबमिट करते जाइएगा, फिर आपको लॉगिन करना होगा, तो वहाँ से लॉगिन करके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं. जल्दी से जल्दी कर दीजिए क्योंकि अब मात्र आपका सिर्फ 7 डेज ही बचा है. तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इच्छुक हैं तो आप जरूर इसको अप्लाई कर दीजिए. बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे. अगर हाँ, जो भी व्यूअर्स लास्ट तक देख रहे हैं तो
कुछ दिनों में मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिससे आप एक तरह से आप सैलरी कमा सकते हैं। आपका अगर जितना ज़्यादा कनेक्शन बनेगा उतना ज़्यादा आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। ये रियल है, मैं खुद कर चुका हूँ, मैं खुद कर भी रहा हूँ पूरा एकदम प्रूफ के साथ। मैं एक अगले वीडियो में तो नहीं कह पाऊंगा कि आ रहा है कि नहीं अगला वीडियो भाई, लेकिन हाँ कुछ दिन में जरूर आएगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और मुझे आशा है आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके गाइस, थैंक यू।